हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चिन्मय किड्स का प्रोडक्ट है। ये बेबी कैरियर बैग है जिसमें आप बेबी को कैरी कर सकते हो इजीली। तो आज मैं इसके बारे में ही आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम किसी प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, उसके बाद ही उसका रिव्यू देती हूँ कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो देखिए, ये प्रोडक्ट रियली इट्स अ रियली नाइस प्रोडक्ट। मैंने काफी महीने इसको यूज किया है। जब मेरा बच्चा 3 महीने का था, तो 3 महीने से लेकर लगभग मैंने साल भर तक इस कैरी बैग को यूज किया है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप साल भर से ऊपर या मिनिमम 12 से 15 किलो के बच्चे को आप इसमें कैरी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा साल भर का बच्चा चलने लगता है तो फिर इसकी नीड नहीं होती, बट 2 महीने के बच्चे से लेकर या 1 महीने के बच्चे से लेकर के आप इसको लगभग 1 साल तक बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। तो ये देखिए, ये है बच्चे का हेड पोर्शन और काफी सॉफ्ट भी है, जिसमें अगर आप बच्चे को कैरी करते हो तो ये पोर्शन जो है उसके हेड को सपोर्ट करता है, और काफी गद्देदार, मतलब बिल्कुल कुशन जैसा ये है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए। और इस ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ आप इजीली इसको ऐसे लॉक कर दो दोनों साइड। तो बच्चे को अगर आप कैरी करते हो तो ये जो गैप दिख रहा है इसमें इजीली हाथ चले जाते हैं। दोनों साइड में इजीली आप इस तरीके से इसको लॉक कर दो। तो देखिए, इस साइड में बच्चे के हाथ चले गए। ये हो गया आप शोल्डर पे जो कैरी करते हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे का दोनों पैर जो है, दोनों साइड से यहां से आप निकाल के, बच्चा यहां सीधा लेटा हुआ रहता है, यहां हेड रहता है, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके, ये देखिए यहां भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है, और यहां से ये देखिए, ये इसको आप ऐसे लॉक कर दो, और इस तरफ भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लॉक कर दो इजीली, ये देखिए। तो बच्चे का दोनों पैर जो है इसके अंदर से यहां आ जाता है। उसके बाद आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ एक छोटा सा बैग जैसा भी दे रखा है बच्चे का, कुछ भी, कोई एक छोटा, बहुत ही छोटा सॉफ्ट टॉय आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ भी एक कोई बॉटल रख सकते हो। तो ये इस तरीके का बैग है, सॉरी कैरियर बैग है, जो कि आप अच्छे से यूज कर सकते हो अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है तो। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने अमेजन से लिया था, और लगभग मैंने कई महीने, मतलब 10-11 महीने मैंने इसको यूज किया है, और आज मैं इसका आपको रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा अब 1 साल का हो चुका है, 1 साल क्रॉस कर गया है, तो अभी तक मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। तो अमेजन, इस वीडियो का जो लिंक है, इस चिन्मय किड्स का जो लिंक है, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी। अगर आपको खरीदना हो तो उस लिंक के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि मेरा 1 साल का बच्चा है और ये आराम से इस पे है, तो आप इसको कैरी करके आराम से कहीं भी घूम सकते हो। अभी मैंने पीछे का वो एक बेल्ट नहीं लगाया है, पीछे भी एक बेल्ट दिया रहता है, वो बेल्ट मैंने अभी हटा दिया है। जो अटैच आप अपने यहां से इसको ऐसे कर सकते हो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैंने इसको लगाया नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, कम से कम 12 से 15 किलो के बच्चे तक को आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, एक छोटा सा पॉकेट जैसा कुछ दिया हुआ है, इसमें आप कुछ भी आराम से रख सकते हैं, और ब्रांड भी आपको नजर आ ही रहा होगा, चिन्मय किड्स। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक डाल दूंगी। ये अमेजन के थ्रू मैंने ऑर्डर किया था, और ये बहुत ही फायदेमंद रहा मेरे लिए। काफी महीनों तक मैंने इसको यूज किया, और अभी भी आपको सामने मैं दिखाई रही हूँ कि मैंने खुद अपने बच्चे को अभी ऐसे कैरी किया हुआ है। और काफी, अगर आपका छोटा बच्चा हो तो आप उसको कैरी करके कुछ घर के छोटे मोटे काम भी आप कर सकते हैं।
तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बच्चे को कैरी किया हुआ था, तो अभी भी मैंने उसको उतार दिया है और ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सॉफ्ट भी है और बच्चे को आप बहुत ही इजी तरीके से कैरी भी कर सकते हो। और छोटा बच्चा है तो बहुत ही इजी, बहुत आप भी कंफर्टेबल और बच्चा भी कंफर्टेबल रहेगा। इजीली यहाँ हेड पोर्शन दिया हुआ है, बच्चा इसमें आराम से बैठ जाता है या आराम से आप सो भी जाता है, क्योंकि ये मेरा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? इस वीडियो का जो लिंक है, इस चिन्मय किड्स बेबी कैरी बैग का जो लिंक है, मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप बाय करना चाहते हो तो वहां से बाय कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, विच इज प्रियंका ब्लॉगर।